आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ब्लॉक परिषद में मनाया है। इसमें यह था कि महिला सशक्तिकरण पे हम लोगों को महिलाओं को संबोधित करना था, और महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, ये महिलाओं का दिन है, इसके बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और ये कार्यक्रम जनपद इलाहाबाद के 7 ब्लॉकों में हमारा जहाँ जहाँ पे महिला सामाख्या कार्यक्रम कार्यरत है वहाँ पे ये मनाया जा रहा है इस टाइम। तो उसमें हमारा सुराव भी था, सुराव में भी हमारे बहुत सारे ग्राम पंचायतों में 62 ग्राम पंचायत में महिला सामाख्या कार्यक्रम चलता है। तो सभी ग्राम पंचायतों से महिलाओं को यहाँ पे बुलाया गया है कि महिलाएं हमारी यहाँ पे संकल्प लेंगी कि हम महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कि बाल विवाह की रोकथाम करेंगे और महिलाओं के हक अधिकार के प्रति एक दूसरे को जागरूक करेंगी, और समाज में समतामूलक समाज का निर्माण वो कैसे करेंगी, इसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में किस तरह से महिलाओं ने संघर्ष किया जो ये ऐतिहासिक हुआ और सभी जगह इंटरनेशनल स्तर पर ये मनाया जा रहा है, उसके बारे में इन्हें विस्तृत जानकारी देने के लिए बुलाया गया। मेरा नाम हेमलता है और ये जो महिला समाख्या है इसी का पार्ट है महिला सशक्तिकरण केंद्र जो यहाँ सौराम ब्लॉक में खुला है। ये जो हमारी गरीब महिलाएं होती हैं जो घर से मतलब जैसे ससुराल से भी उनको निकाल दिया जाता है और मायके में भी उनको नहीं रखा जाता है, तो इस तरह की जो हमारी सर्वाइवल जो मतलब महिलाएं होती हैं उनको यहाँ रखने की व्यवस्था है। तो हम मतलब इसका इस महिला सशक्तिकरण केंद्र इसका नाम है और हम वहाँ पर, मेरा नाम हेमलता सिंह है और मैं काउंसलर हूँ। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उस पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। हम अपनी सभी महिला बहनों को ये देना चाहते हैं, आदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के सब अपने उसमें जो है अपने कार्य क्षेत्र में हिस्सा लें और उसको पूरी तरह से उसको जो है निर्वहन करें अपना जो है। मेरा नाम खंड विकास अधिकारी, मैं अस्मिता सेन, ब्लॉक सुराव, प्रयागराज।